नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था 2 माह के लिए स्थगित, मामले के समाधान को योगी सरकार बनाएगी कमेटी। लखनऊ के कुकरेल रिव फ्रंट का मुख्यमंत्री योगी ने दिलाया भरोसा, नहीं तोड़ा जाएगा एक भी मकान। प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। मथुरा के बलदेव ने हासिल की 48वीं रैंक, बने APF कमिश्नर, लोगों ने दी बधाई। जौनपुर में पेशी पर जाते समय हथकड़ी खिसकाकर फरार हुआ कैदी, पुलिस ने पीछा कर किया गिरफ्तार। हाइब्रिड कारों पर टैक्स छूट के बाद यूपी सरकार ने EV सब्सिडी योजना को 2027 तक बढ़ाया। लखीमपुर खीरी में क्लास रूम में अचानक बेहोश हुई 20 से अधिक छात्राएं, कॉलेज में मची अफरातफरी। रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ प्रांगण में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर, 345 बच्चों का हुआ चेकअप। लखनऊ में ई ऑटो चालक ने साथियों संग युवक को लूटने का किया प्रयास, पुलिस ने पकड़ा। आगरा में समधन पर आया दिल, समधी भूल गया वो 10 बच्चों का पिता है, 6 बच्चों की मां को लेकर हुआ फरार, अब तक नहीं लगा सुराग। अलीगढ़ में RTO कार्यालय ट्रेनिंग सेंटर पर DM की छापेमारी, 9 दलाल पकड़े, मिली फर्जी कागजात। आगरा से दिल्ली जा रही रोडवेज बस डिवाइडर से टकराई, यात्रियों में मची चीख पुकार, सभी सुरक्षित। कैंट बनारस स्टेशन पर करिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, ट्रेन से उतरते ही देख सकेंगे 4 पहर की आरती। मिर्जापुर में पड़ोसी के घर किया फायर, पुलिस पहुंची तो उन पर भी तांडी बंदूक, दीवान ने भागकर बचाई जान। मथुरा टंकी हादसे के पीड़ितों से मिली सांसद हेमा मालिनी, बोली दी जाएगी आर्थिक सहायता राशि। पर्वतारोही निशा कुमारी पहुंची आगरा, बड़ोदरा से लंदन तक साइकिल चलाकर देगी पर्यावरण संदेश। लखीमपुर खीरी में देवी मंदिर के बाद पेड़ चबूतरा भी नदी में समाया, अब गांव पर खतरा, 10 घर खाली कराए गए। मैनपुरी में कंपोजिट विद्यालय में गिरा कई वर्ष पुराना पेड़, बाइक है दबी, छात्र बाल बचे। मऊ में सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, दर्ज है 15 केस। आगरा में अग्निवीर भर्ती में 991 युवाओं ने दिखाया जोश, अब हाथरस और झांसी के युवा दिखाएंगे दम। सावन में श्रद्धालुओं को रेलवे की सौगात, काशी विश्वनाथ धाम से बैजनाथ धाम के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। बनवारीलाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।